तो आज जो हम बात करने वाले हैं रेम स्टूडियो की अपडेट के बारे में, कब आएंगे रेम स्टूडियो वापस, क्या रेसलमेनिया 34 अटेंड कर पाएंगे, उनकी इंजरी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ पर जानना चाहते हैं तो जो कि लिंक है वो कि आपको मिल जाएगा @7herban11, जो कि आप इंस्टाग्राम पर टाइप करेंगे तो मेरा जो कि है हैंडल आ जाएगा, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें तो क्या चीज है, सबसे पहले जो कि ट्रिपल एच है, ट्रिपल एच ने जो कि है एक मीटिंग फिक्स की थी रेम स्टूडियो के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कि पीछे काफी ज्यादा फोन पर बात चल रही थी। तो फाइनली WWE का जो कि हेडक्वार्टर है वहां पर ना एक फाइनल जो कि है मीटिंग डिसाइड हुई थी उनके बीच में, जहां पर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी। तो रेम स्टूडियो की इमीडिएटली वहां पर टोन की इंजरी हो गई, जिस वजह से कि अब रेम स्टूडियो है वहां पर नहीं पहुंच सकते, जिस वजह से कि वो वाली जो कि इनिशियल मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई थी। बट उसके बाद जो कि है रेम स्टूडियो को दोबारा से ट्रिपल एच की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। हालांकि जो कि रूमर्स कहते हैं वो भी मैं मानू तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट जो कि रेम स्टीरियो है उन्होंने आगे से भी कोशिश की ट्रिपल एच को कांटेक्ट करने की, बट ऐसा नहीं हो पाया, ट्रिपल एच ने आगे से जवाब नहीं दिया। तभी PW इनसाइडर के एक्सपर्ट ने जो कि है रेम स्टीरियो से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं WWE में वापस आना चाहता हूं अगर मुझे एक रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वहीं उन्होंने सेम जगह जो कि है पूछा ट्रिपल एच से, तो ट्रिपल एच ने कहा कि हां बिल्कुल हम चाहते हैं कि रेम स्टीरियो वापस आए, बट उन्होंने कहा कि मेरा जो कि मेन फोकस है वो है WWE को एक नई लाइन पर लाने के लिए, उसके लिए हमें नए नए कॉन्ट्रैक्ट जो कि है चाहिए, हमें नए बड़े बहुत सारे सुपरस्टार जो कि है वो साइन करने हैं, जिससे कि एक्सपर्ट ने अंदाजा लगा लिया था। और उन्होंने बताया जो कि WWE या फिर ट्रिपल एच है वो बहुत अच्छे कंपनी को चला रहे हैं, बट वो कि जो है अब वो रेम स्टीरियो को शायद WWE में नहीं चाहते हैं, या तो रेम स्टीरियो जो है वो बार्गेनिंग ज्यादा कर रहे हैं या फिर कोई और कारण हो सकता है, बट जो कि ट्रिपल एच को लगता है कि उनके पास और ज्यादा जरूरी काम है, यानी कि और ज्यादा जरूरी जो कि कॉन्ट्रैक्ट है उनको साइन करवाने हैं रेम स्टीरियो से अलग, जो कि अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बात है। हमारे लिए तो यार ओल्ड इज गोल्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, नए नए स्टार WWE हर साल हर महीने कितने साइन करती है, बट मेजरली जो कि मेन हमें स्टार याद है वही हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि जॉन सीना, अंडरटेकर और रेम स्टीरियो में एक बहुत जरूरी पार्ट है। तो ये लेजेंड्स को तो WWE को मस्ट साइन करना चाहिए। वैसे ट्रिपल एच अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट अगर वो इतने बड़े स्टार को हाथ से जाने दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा गलत है, और मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा जरूरी है WWE के लिए। तो आप बताओ यार कमेंट्स में क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ट्रिपल एच ऐसा कर रहे हैं? तो आप बताओ ओल्ड इज गोल्ड या फिर जो कि नए वाला है वो डायमंड है? तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अब तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।